जब किसी को भी बैक पेन होता है द फर्स्ट थिंग डॉक्टर्स से द फर्स्ट एडवाइस दैट इज गिवन टू देम इज कोर आपका स्ट्रांग करो. द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड एज कोर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कोर एक्चुअली इज एंड बिकॉज देयर आर सो मेनी मिथ अराउंड द कोर पीपल एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग्स और बैक पेन एक्चुअली बढ़ जाता है कम होने के बजाय. देयर आर थ्री ऑफ दीज टॉप मिथ्स अबाउट द कोर व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल. आई एम गोना टेल यू एक्सरसाइजेस दैट यू माइट बी टेम्प्टेड टू डू और टोल्ड टू डू बट आई एम गोना गिव यू बेटर एक्सरसाइजेस दैट यू शुड डू. हाई, आई एम डॉक्टर रजनी पाटिल. I'm a spine and sports physiotherapy specialist. I'm the founder of Ortho Sports Physiotherapy, practicing in Shivaji Park for about 23 plus years. सबसे बड़ा मिथ, मिथ नंबर वन अबाउट द कोर. मोस्ट पीपल थिंक दैट एब्स आर कोर. दिस इज द बिगेस्ट मिथ ऑफ ऑल एंड मोस्ट पीपल बिलीव दिस. जब लोग बोलते हैं कि कोर ट्रेनिंग करना होता है सबसे पहले दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर एब्डोमिनल मसल्स एंड दिस इज द लास्ट थिंग टू डू व्हेन यू हैव बैक पेन. यू वांट टू डू द करेक्ट एक्सरसाइजेस फॉर द कोर. कोर इज मेड अप ऑफ 33 मसल्स. यू वांट टू वर्क ऑन ऑल द मसल्स नॉट ओनली द एब्डोमेन. सो मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सी एक्सरसाइजेस आप शायद अभी कर रहे हो एंड विच आर द सेफ वंस दैट यू शुड डू इन ऑर्डर दैट योर बैक इज सेफ, योर बैक पेन गेट्स बेटर एंड यू डोंट एग्रेवेट योर बैक पेन. सो एब एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हो दीज आर द वंस दैट यू माइट बी डूइंग. दीज आर द रॉन्ग वंस टू डू. आपको ये नहीं करनी है. एक बार देख लीजिए क्या नहीं करना है. दिस इज कॉल्ड अ फुल क्रंच या सिटअप भी बोलते हैं इसको. दिस इज अ हाफ क्रंच. अगेन वेरी बैड फॉर द बैक. नेक्स्ट वन. This is called oblique crunches. वापस ये नहीं करनी है आपको. इसका advanced oblique version भी है. This one. ये भी नहीं करनी है आपको. इससे back पे बहुत pressure आता है. Okay. This also puts a lot of pressure on the lower back. These are called Russian twists. Not to be done. Myth number two for the core. लोग को लगता है कि crunches करने से उनका core strong हो जाएगा. ये बिल्कुल गलत है. Crunches is the last thing to do. There are so many good exercises जो आप कर सकते हो आपका core strong करने के लिए. As I explained to you before, बहुत सारे muscles हैं आपको core strong करने के लिए. सिर्फ abs पे अगर focus करेंगे, especially अगर आप crunches करेंगे, तो इससे आपकी back का pain बढ़ सकता है, कम नहीं होगा. मैं आपको दिखा रही हूँ स्पेसिफिकली व्हाई आई थिंक क्रंचेस आर रॉन्ग फॉर यू. जब आप क्रंच एक्सरसाइज करते हैं, सिटअप करते हैं, सब एब मसल्स थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, लेकिन ओनली वन मसल इज एक्चुअली वर्किंग. एंड एज यू नो देयर आर लॉट ऑफ कोर मसल्स. सो क्रंच करने से आप एक मसल को इनसफिशिएंटली वर्क करते हैं. लेट मी शो यू हाउ. कम अप इनटू अ क्रंच. दिस इज द मसल दैट इज सपोज्ड टू बी वर्किंग. लेकिन रिद्धि इज फीलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेन हियर एज वेल. वो शोल्डर से उठा रही है अपने आप को. नेक मसल्स यूज कर रही है. ये मसल्स काम कर रहे हैं बट वेरी लिटिल. सो दिस क्रंच, दिस सिटअप इज एक्चुअली वेरी इनएफेक्टिव एक्सरसाइज टू वर्क ऑन योर कोर. मिथ नंबर थ्री फॉर द कोर. लोगों को लगता है कि अगर बैक पेन है तो हमको कोर ट्रेनिंग करनी है. कोर ट्रेनिंग के लिए मुझे फास्ट रिजल्ट्स चाहिए. हम एकदम हार्ड वाली एक्सरसाइज पहले कर लेंगे, सबसे बेस्ट वाली एक्सरसाइज पहले कर लेंगे तो हमारा बैक पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. एब्सोल्युटली अ मिथ. आपको आपके बॉडी को ग्रेजुअली ट्रेन करना होता है. अगर बैक पेन है दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन wrong in the lower back, correct? So what do you want to do? Gradually and slowly you want to build on the exercises. Sabse last wali exercise last mein karo, sabse choti easy exercises pehle karo. So let me show you jo advanced exercise jo aap kar rahe hain, jo nahi karni chahiye wo main aapko dikha deti hu. Wo mat karo. Isse acha activation exercise. These next exercises jo main aapko dikha rahi hu ye advanced exercises hai. Only jab aapka basic core, sab core ke muscles strong ho jaye fir hi ye karne hain. Agar aap ये शुरुआत में कर रहे हो then it is absolutely wrong. See what are the exercises that I do not recommend for you to do when you have back pain. First one, both legs up and down. Very, very bad for the lower back. It puts lot of strain on the lower back. Second one, okay, these are called reverse crunches. Again, अगर आपका core, lower back, extensors and abs अगर strong नहीं होंगे तो this will cause lot of strain on the lower back. Third one, okay, I'm not sure what muscles this is working. It's definitely not working the core. Plus, it is putting lot of strain on the lower back. Do not do this one. Next exercise is called a roll up. Up, you saw how the jerk came in the back. This is pulls a lot on the lower back. Definitely an advanced one. जब तक आपका basic core strong ना हो, तब तक ये मत करो. So, ये थी exercises जो आपको नहीं करनी है. These
ab exercises, crunches put a lot of pressure on the back. What you want to do are safe exercises for the back and which use all the core muscles. So let me show you which ones those are. The first one is a simple bridge. Okay, इसमें tummy muscles को अंदर पकड़ो, glutes को, buttocks को squeeze करो और lift करो. Very safe for the back, very good for the back and also works the core in a very balanced way. Next exercise is a single bridge. So cross one leg like that, squeeze the glute and then lift up. Okay, now if this is easy for you, आप इसको hold कर सकते हैं 20-30 seconds, 1-1 minute तक भी hold करेंगे तो core strong होगा, फिर भी आपकी back safe रहेगी. The third exercise we are going to do is a side plank. So for a side plank, all muscles activated रखो, contracted रखो, glutes को भी, back को भी. And then this is the accurate side plank. इसको hold करना है about 20 to 30 seconds. अगर ये difficult लग रहा है, you can start with 2 to 3 seconds also. The next exercise, tabletop position. So, इसमें ab muscles काम करते हैं. Yes, abs are a part of the core, so you do want to work them. But this is a very safe exercise to do for the lower back while working the core. So, 90-90 position, tabletop position में आना है और फिr एक leg straighten and down. जितना पैर नीचे जाएगा उतना आपको lower back पे और ab muscles पे strain feel होगा. अगर आपको लग रहा है ये difficult है तो you can just do a small one. Just take the leg up to here and then come back. This exercise very good for the low back. It works all the extensor muscles of the back and very safe to do. So it's called Superman. Opposite arm and leg and opposite arm and leg. सिर्फ इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ से बहुत rotation नहीं होना चाहिए. Keep your back flat and then lift. Okay, very safe to do. Excellent for the back.